हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स में चैप्टर थ्री प्लेइंग विद द नंबर्स की एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर वन हमें दे रखा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें इन नंबरों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो दोनों के अंदर सेम मैच हो रहा हो। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमारा ए पार्ट में दे रखा है 18 एंड 48। सबसे पहले हम करेंगे इनके फैक्टर, क्लियर। तो 18 है, आखिरी में 8 आ रहा है, इवन नंबर है, यानी इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा। 2 9 18, आपको सबसे पहले शुरुआत 2 से करनी है। 2 का डिवाइड नहीं जाए 3 का देना है, 3 का नहीं जाए 4 का, इस तरीके से ऑर्डर में बढ़ना है। 9, 2 की टेबल में 9 तो आता नहीं है, 3 की टेबल में आता है, 3 का डिवाइड दिया, 3 3 9, 3 में 3 का डिवाइड दिया, 1 आया। अगला हमारा है 48, आखिरी में 8 आ रहा है, 2 का डिवाइड जाएगा। आप चाहो तो अभी एक रफ शीट ले लेना, उसमें डिवाइड साइड में करते रहना। 2 का डिवाइड दिया, 2 2 4, 2 4 8, आखिर में 4 आ रहा, 2 का डिवाइड जाएगा 12 12 आ रहा, 2 का डिवाइड जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 में 3 का डिवाइड देंगे, 1 आएगा, क्लियर। तो 18 के फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 3 इंटू 3। 48 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें एचसीएफ का मतलब होता है वो नंबर जो दोनों के अंदर कॉमन हो। ठीक है, यानी कि देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है, दोनों में 2 2 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, दोनों में 3 3 है। वो नंबर जो दोनों में सेम हो उसको लेना है, दोनों में सेम है उसको लेना है। 3 2 6, यानी दो नंबर हैं, दोनों में से कोई एक लेना है, इन दोनों में से कोई एक लेना है। तो यानी दोनों का हायर कॉमन फैक्टर कितना होगा, 6 होगा, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो। क्लियर, आंसर हो जाएगा हमारा 6। अब डिस्कस करेंगे इसका बी पार्ट, हमें दे रखा 30, पीछे 0 है, 2 का डिवाइड जाएगा, 15 आया, 15 तो 3 की टेबल में आता, 2 की टेबल में नहीं आता, तो 3 का डिवाइड देंगे, 3 5 से 15, और 5 में 5 का डिवाइड जाएगा, 42, आखिर में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 2 4 2 1 2, 21 तो ऑड नंबर है, ऑड में 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, 3 की टेबल में आ रहा है, 3 7 21, 7 1 7, तो 30 का क्या हुआ फैक्टर, 2 इंटू 3 इंटू 5, 42 का 2 इंटू 3 इंटू 7, वो नंबर जो दोनों में सेम हो। देखो दोनों में 2 है, दोनों में ही 3 है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ, इन दोनों में से 2 लिया, इन दोनों में से 3 लिया, 3 2 6, ये हमारा कौन हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे इसका सी पार्ट, सी में दे रखा हमें 18, 2 का डिवाइड दे 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, अगला दे रखा 60, पीछे 0 है, 2 का डिवाइड जाएगा, 30 आया, पीछे 0 है, 2 का डिवाइड चला जाएगा, 15 15, तो 3 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में 5 आता है, तो 18 के फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 60 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दोनों के अंदर जो कॉमन हो, दोनों में कौन आ रहा, देखो 2 2 है, 2 ले लिया, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इन दोनों में से 3 ले लिया, अब यहाँ 3, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, और तो कुछ मैच हो नहीं रहा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे डी पार्ट, तो डी पार्ट में दे रखा 27 27, ऑड नंबर है, पीछे 7 आ रहा है, 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, एंड 3 1 3, 63 में आखिरी में 3 दे रखा, 2 का डिवाइड तो नहीं आएगा नहीं, 3 का जाएगा, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, एंड 7 1 7 हो गया। 27 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 63 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 7 आ गया। अब दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है, दोनों में देखो 3 है 3 है, दोनों में सेम है, 3 है 3 है, दोनों में सेम है, इन दोनों में से 3 लिया, इन दोनों में से 3 लिया, 3 3 9 आ गया, ये हमारा डी पार्ट हो गया। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे इसका ई पार्ट, ई हमें दे रखा है 36, तो यहाँ 36 लिखा, इवन नंबर है, 2 का डिवाइड चला जाएगा, 18 2 36, 8 आ रहा है, 2 का डिवाइड जाएगा, 2 9 18, 9 आया, 9 में 3 का डिवाइड जाएगा, 3 3 9, एंड 3 1 3, 36 होने के बाद में अगला है 84,
पीछे फोर आ रहा है, टू का डिवाइड चला जाएगा, टू आ रहा है, टू का डिवाइड चला जाएगा 21। अब 21 थ्री की टू की टेबल में तो आता नहीं, थ्री की टेबल में आता है, 3 7 21, जिसकी टेबल में आता है उसी का डिवाइड देना है हमें, ध्यान रखना। 7 1 7 आया। अब 36 के फैक्टर 2 × 2 × 3 × 3 84 के फैक्टर यहाँ पे क्या होंगे, तो देखो जरा मैंने 84 की लिख दी है, दोनों में कौन आ रहा है 2 2, यहाँ पर भी कौन मैच हो रहा है 2 2, यहाँ मैच हो रहा है 3 3, इन दोनों में से 2 बाहर, इन दोनों में से 2 बाहर, इन दोनों में से 3 बाहर, 3 इसमें 7 इसमें तो मैच नहीं हो रहा, तो 2 2 4 4 3 12, तो इसका एसएफ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब डिस्कस करेंगे इसका एफ पार्ट जो कि हमें दे रखा है कितना 34, इसमें 4 आ रहा है, 2 का डिवाइड चला जाएगा, तो मैंने 2 का डिवाइड दिया 17, 17 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में प्राइम नंबर का ही डिवाइड जाते हैं, यानी 17 1 17, 34 का हो गया। फिर हमें दे रखा 102, पीछे 2 दे रखा है, 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 5 10, 2 1 2। अब 2 की टेबल में तो नहीं जाएगा डिवाइड, क्योंकि आखिरी में कौन आ रहा है ऑड नंबर, ठीक है, इसमें 3 का डिवाइड जाएगा, कैसे पता लगा, देखो 5 और 1 6, 6 3 की टेबल में आता है, 3 का डिवाइड चला जाएगा, 3 का इसमें डिवाइड दिया, 3 1 3, 3 7 21, 17 में 17 का डिवाइड जाएगा, 34 क्या होगा 2 × 17, 102 क्या होगा 2 × 3 × 17, सॉरी 17 नहीं हमारा नंबर, ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो हमें नंबर लेना है, दोनों में देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 17 इसमें है, 17 इसमें है, तो 17 ले लिया, 17 × 2 = 34, ये इसका एसएफ हो जाएगा, ये हमारा एफ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे इसका जी पार्ट, तो स्टूडेंट जी पार्ट में देखो आखिरी में कौन आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 में इसका डिवाइड देंगे 35, आखिरी में 5 आ रहा है, ऑड नंबर है, 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, 3 का डिवाइड चेक करते हैं, 3 और 5 8, 8 3 की टेबल में नहीं आता, 3 का भी नहीं जाएगा, आखिर में 5 है, 5 का डिवाइड जाएगा, 5 7 35, 7 में 7 का डिवाइड जाएगा 1, पीछे 5 आ रहा, 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का चेक करो, 5 और 1 6, 6 3 की टेबल में आता, 3 का डिवाइड चला जाएगा, 3 में इसका डिवाइड जाए, 3 3 9, 1 3 5 15, 35 में तो किसका डिवाइड जाएगा 5 का, 7 में 7 का डिवाइड जाएगा, पीछे 5 आ रहा, 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा, 3 का चेक करो, 7 5 12 और 1 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता, 3 का भी नहीं जाएगा, आखिरी में 5 है, मतलब 5 का तो जाएगा ही जाएगा, 5 3 15, 2 5 5 25, फिर इसमें 5 का डिवाइड जाएगा, 7 में 7 का डिवाइड जाएगा, तो 70 के फैक्टर क्या हुए 2 × 5 × 7, 105 के फैक्टर 3 × 5 × 7, 175, 5 × 5 × 7। देखो हमें एस सी एफ में क्या देखना होता है, वो नंबर जो दोनों के अंदर सेम हो, तीनों में क्या आ रहे हैं 5 आ रहा है, तीनों में कौन आ रहा है 7 आ रहा है, तो इन तीनों में से 5 लिया, इन तीनों में से 7 7 5 = 35, ये कौन हो जाएगा इसका एच सी एफ हो जाएगा, ठीक। जी हो गया, जी के बाद एच पार्ट देखो इसका, एच दे रखा मैं 91 112 एंड 49, 9 1 आ रहा है, आखिरी में 1 आ रहा है, 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा, 3 का जाके 9 1 10, 3 का भी नहीं जाएगा, आखिरी में 1 आ रहा है, 5 का भी नहीं जाएगा, तो इसमें 7 का ट्राई करके देखा, 7 1 7 बच गया, 2 उतारा 1 7 3 21, डिवाइड चला गया किसका 7 का, कितना है 13 में तो 13 का ही डिवाइड जाता है, ठीक, क्योंकि प्राइम नंबर है, पीछे 2 है, 2 का डिवाइड चला जाएगा, 6 आया, 2 का डिवाइड चला जाएगा, फिर 2 का डिवाइड चला जाएगा, फिर इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा, 7 में 7 का डिवाइड जाएगा, 49 में 7 का डिवाइड जाएगा, 7 7 49, 7 1 7, तो 91 के फैक्टर क्या हुए 7 × 13, 112 के फैक्टर क्या हुए 2 × 2 × 2 × 2 × 7, एंड 49 के फैक्टर क्या हुआ 7 × 7, हमें देखना वो कॉमन नंबर जो तीनों में सेम हो, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में सेम हो, 7 इसमें, इसमें नहीं है, 13 इसमें, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यानी कि इसका जो एच सी एफ होगा वो कौन होगा 7 होगा, क्लियर, ये हमारा एच पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका आई पार्ट, यहाँ 18 दे रखा है, 18 में तो 2 का डिवाइड जाएगा, 2 9 18, 9 में 3 का, 3 3 9, 3 1 3, 4 आ रहा है, 2 का डिवाइड चला जाएगा, ठीक है, कितना है 27 27, तो 3 की टेबल में आता है, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3 आ गया, 81 दे रखा है, आखिरी में 1 है, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का चेक करो, 8 और 1 9, 9 3 की टेबल में आता है, 3 का डिवाइड चला जाएगा,
तीन दोनों छः, दो तीन सात एक, 21 आ गया। अब इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 कर दिया। 18 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 81 के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया। ठीक, अब देखो जरा, 3 इसमें 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 तीनों के अंदर 3 3 आ रहा है, तीनों में आ रहे हैं, तीनों में से 3 ले लिया, इसमें 3 है, 3 है, 3 है, इन तीनों में से 3 3 3 3 ले लिया, बाकी तो और कुछ नंबर कॉमन आ नहीं रहा, 2 2 इसमें 3 है, इसमें 3 3 इसमें नहीं है, यानी 3 3 इज़ 9, यही हमारा कौन हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्लियर, इसी के साथ हमारा आई पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।